हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज पंजवानी। फ्रेंड्स, आज हम दो कंस्ट्रेंट देखेंगे ओरेकल में। कंस्ट्रेंट को हम रूल बोल सकते हैं, कुछ रूल हमें लगाना है या कुछ लिमिटेशन लगाना है तो हम कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। तो हम प्राइमरी की और नॉट नल, ये दो कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। तो प्राइमरी की एक ऐसा कंस्ट्रेंट है, एक ऐसा रूल आप लगाते हैं जो आपको ये इंश्योरिटी देता है कि जो कॉलम है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी और वो वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, है ना। जैसे मैंने आईडी नाम का कॉलम बनाया और मैं चाहता हूँ कि आईडी एक जैसी ना हो। जैसे मैंने किसी को आईडी दे दी स्टूडेंट को, तो आईडी दोबारा किसी और को ना मिल पाए। अगर दोबारा किसी को वो आईडी दी जाए जो पहले दी जा चुकी है, तो हमें मिरर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। और वैल्यू डालना, उस कॉलम में वैल्यू डालना कंपलसरी, अगर हमें करना है कि रोल नंबर की वैल्यू कंपलसरी है या आईडी की वैल्यू कंपलसरी है। तो उसमें भी हम प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी की में वैल्यू देना भी कंपलसरी होता है और डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते हैं। नॉट नल में वैल्यू देना तो कंपलसरी है बट डुप्लीकेट पॉसिबल है, ठीक है। डुप्लीकेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, डुप्लीकेट आप कर सकते हैं नॉट नल में बट वैल्यू कंपलसरी है। और प्राइमरी की में नल वैल्यू भी नहीं हो सकती है, मतलब डेटा आपको प्रोवाइड करना है और डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए। नॉट नल में डुप्लीकेट हो सकता है बट वैल्यू कंपलसरी होती है। तो कैसे आप इसको अप्लाई करते हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। जैसे इससे प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्या प्रॉब्लम आती है इससे। जैसे मैंने डेटा सर्च किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से मैंने डेटा सर्च किया तो ये दो रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अब मैं कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, मैंने एक इंसर्ट की कमांड यहाँ पे यूज़ कर ली, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज़, और फिर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे दी। अब आप देखेंगे कि जो आईडी मैंने दी है वो 3 दी है यहाँ पे, और 3 ऑलरेडी किसी को मिल चुका है। नाम मैंने चाहा तो सेम भी रख लिया या कुछ दूसरा दे दिया। सेमेस्टर मैंने 8 रख दिया, 7 रख दिया। अब आप देखेंगे जो आईडी 3 है उसमें नाम ट्रिपल सी था पहले और सेमेस्टर 6 था। अब एक और रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया, उसकी आईडी भी क्या है, 3 है ना। तो ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी हो रही है ना। तो अपन अगर चाहते हैं कि किसी चीज़ को अगर कोई अगर पार्टिकुलर कॉलम है उसमें वैल्यू डुप्लीकेट ना हो पाए, ठीक है, है ना। जैसे आपको पता है नाम तो एक जैसा हो सकता है तो उसमें हमें ये रूल नहीं लगाना चाहिए, बट रोल नंबर जो है एक जैसा नहीं होना चाहिए तो वहाँ पे हमें ये कंस्ट्रेंट लगाना चाहिए प्राइमरी की वाला, ठीक है। इसी तरह नॉट नल का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट की कमांड मैंने यूज़ की और मैंने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किया, आईडी मैंने दे दी 4 और कुछ नाम दे दिया एक्स वाई जेड। और मान लो अभी मैंने 2 ही वैल्यू दी, मेरे पास कॉलम तो 3 थे, स्टूडेंट टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम और सेमेस्टर। आईडी में मैंने वैल्यू दे दी, नाम में मैंने वैल्यू दे दी एक्स वाई जेड, बट मुझे अभी सेमेस्टर अगर नहीं पता है तो मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये रिकॉर्ड इस तरीके से इंसर्ट नहीं हो पाएगा, मैसेज आएगा नॉट इनफ वैल्यूज, ठीक है। तो ये जो हम इंसर्शन वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं इसमें हमें सारी वैल्यूज़ देना ज़रूरी है, जितने कॉलम्स होंगे उतनी वैल्यू देना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कम है, आप सारे कॉलम्स में वैल्यू नहीं डालना चाहते हो, तो आपको फिर पार्शियल इंसर्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे आप पार्शियल इंसर्शन यूज़ करेंगे, तो आपने जो टेबल का नाम था उसी के आगे ब्रैकेट लगाया और यहाँ बता दिया कि मुझे जो वैल्यू इंसर्ट करना है वो आईडी में और नेम में इंसर्ट करना है। तो आपको बताना पड़ता है कि आपको किस किस कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, और जितने कॉलम्स का आपने नाम लिखा है, जो सीक्वेंस लिखा है, वही सीक्वेंस आपको यहाँ देना है और उतनी ही वैल्यूज़ देना है। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल इंसर्शन।
तो इससे आप देखेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब आपने डेटा सर्च करके देखा तो डेटा इंसर्ट तो हो गया, बट सेमेस्टर में कोई वैल्यू हमने नहीं दी थी तो यहाँ पे नल आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको मुझे कंपलसरी करना है, सेमेस्टर देना कंपलसरी है या नाम देना कंपलसरी है, तो उस केस में आप क्या यूज़ करेंगे, नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि डुप्लीकेट तो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैल्यू देना कंपलसरी है, तो नॉट नल का कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा। तो कैसे हम नॉट नल और प्राइमरी की को अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन की ये होता क्या है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।